हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। संजू आखिरी बोल तक संजू, मैं कहता हूं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। संजू ये नाम, संजू सैमसंग ये वो नाम है जिन्होंने अच्छा, आज मैं कहता हूं अपने दम पर राजस्थान रॉयल को रन्स की इनिंग खेली, शानदार इनिंग। राजस्थान रॉयल को मैच जितवा देते, मैं कहता हूं सदियों इनकी ये इनिंग याद रखी जानी थी। यार क्या बंदे ने ये इनिंग खेली है, अकेले अकेले, कहते हैं ना कि अकेले अपने पहाड़ों पर टीम का बोझ उठाया साथ और चल पड़े लेकर। सेलेक्टर को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। यार क्या बैटिंग, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। मैं जीत डिजर्व करते थे संजू सैमसंग, लेकिन बस कहते हैं ना कि एक टीम में जीतना एक ने हारना है, लेकिन संजू ने आज जो बैटिंग कर दी है ना, बुलाई नहीं बोलती ऐसी बैटिंग। जब आज की टीम बिल्कुल नीचे लग गई हो और जल्दी दो खिलाड़ी आउट भी हो जाएं, जब आप 220 रन का चेस कर रहे हो, उसके बाद आकर नीचे से अकेले खेल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, स्टोक बटलर कोई भी नहीं साथ खेल रहा, और इतनी शानदार के 63 बोलो पर 119 रन की बैटिंग कर गए हैं, उसमें 7 छक्के और 12 चौके, 12 चौके, 7 छक्के और 12 चौके, मेरे तकरीबन 100 रन्स तो यही बन, मतलब 80-90 रन्स तो यही तकरीबन बन जाते हैं। आप यहां से इस बंदे की बैटिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद मैच में जो जान डाली, एक टाइम पर फेवरेट हो गया था 2/21, यार कोई रन नहीं होता, तो ऐसा लग रहा है जैसे छक्का ही हो गया, लेकिन 2/21 बैड लक बहुत चली है, 2/21 रन थे, कोई स्कोर नहीं होते जैसा कि देखा जाए, जैसा लेके संजू चले थे अपनी टीम को, लेकिन मोमेंटम पकड़ाया। नीचे एक बल्लेबाज आए थे जिन्होंने 11/25 रन बनाए, वो पराग नाम है इनका, रेयान पराग मूव में मैं बोल नहीं पा रहा, उनकी तो इनिंग बहुत अच्छी थी, रेयान पराग की, पराग नाम है उनका। उन्होंने मोमेंटम बनाकर रख दिया अपनी मतलब टीम को जीत के लिए, और वो अगर वो आउट ना होते तो मैं इतना गारंटी से कह सकता एक ओवर पहले ये मैच खत्म हो जाना था, क्योंकि वो आउट हुए हैं तो दूसरी साइड पर संजू सैमसंग का कुछ साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो सका। मोरस जो कि सबसे महंगे प्लेयर थे वो भी नहीं कुछ कर पाए। तो गाइस उम्मीद करते हैं संजू सैमसंग आपको अगले मैचेस में ऐसी ही परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं हम संजू सैमसंग को और राजस्थान खेमा, जो कि राजस्थान का पूरा ड्रेसिंग रूम, मैं कहता हूँ वो उठे होंगे इस परफॉर्मेंस से, ना कि डाउन हुए होंगे जो आज संजू सैमसंग उनके लिए खेल गया। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।